नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी ही प्रश्न आप लोगों के थे मुख्य सेविका से रिलेटेड। जो एलिजिबिलिटी है, फॉर्म तो सब कुछ हो चुका है, फिल आप लोग कर चुके हो, लेकिन जब आपका ये आया कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, आपका सिलेबस आ चुका, तो आप लोग काफ़ी सक्रिय हुए कि तैयारी करें अब, क्योंकि सिलेबस में ना GS पूछा है, ना मैथ्स पूछा है, ना रीजनिंग पूछा है। पूछा है तो वो हमारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, उसी से प्रश्न पूछा है। तो काश ये नौकरी मिल जाए, और अच्छी खासी नौकरी है, 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, तो अच्छा खासा तनख्वाह मिलेगा। तो उससे रिलेटेड अब आप जग रहे हो कि सर इसमें हम लोग एक साल पढ़े हैं, दो साल ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, BSc किए हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, MA हैं हम इन सब्जेक्ट से, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। ये तो नोटिफिकेशन में आपको लिखा है, लेकिन हाँ, आयोग ने बहुत क्लियर कुछ नहीं किया है। लेकिन जब आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ोगे ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ जगह बच्चे जो हैं YouTube पे सर्च करते हैं ये एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, कि कुछ लोग कह रहे हैं 3 साल होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल वाले भी हैं। क्या है, उसने कुछ जिक्र किया है 1 साल या 3 साल या 2 साल? तो कैसे कोई कह दे रहा है, कौन सा बिहाफ है उनके पास कि वो ये कह दे रहे हैं कि 1 साल वाले एलिजिबल नहीं है, चाहे 2 साल वाले एलिजिबल हैं, चाहे 3 साल वाले ही एलिजिबल हैं? किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ठीक है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको वहाँ पे दिया गया है उसको समझिए, और साथ ही साथ मैंने ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने RTI के थ्रू मांगा है जवाब। अगर दे देते हैं आयोग वाले तब तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भैया आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, मेरी बात मानो, ठीक है, कुछ भी आपका जाता नहीं है। मैं कौन कौन करेगा वो मैं बता दूंगा। तो एक बार, जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको भी मुख्य सेविका के कोर्स से जुड़ना है तो कोर्स संचालित किया जा रहा है, ठीक है, टीम के द्वारा। आप लोग परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपका आता है कि कौन कौन जो है इस एग्जाम को दे सकता है, कि 1 या 2 साल हमने समाज शास्त्र, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास पढ़ने वाले दे सकते हैं एग्जाम, ये आप लोग कहते हो, चाहे आप लोग BA वाले हो, चाहे कुछ लोग इसी में BSc कहते हैं, हम होम साइंस पढ़े हैं, BSc न्यूट्रिशन पढ़े हैं, तो क्या एग्जाम हम दे सकते हैं? सभी का जवाब मिलेगा। BSc और MA वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? PET की कट ऑफ क्या रहेगी? एग्जाम आपका कब होगा? ये सब सवाल आपके कमेंट में आए थे, हम सभी का जवाब आपको दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको बता दें, यहां एक चीज लिखी हुई है कि डिग्री स्तर में एक विषय के रूप में उम्मीदवार के पास समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक, इसका मतलब समझ रहे हो, कला में स्नातक होना चाहिए, मतलब बैचलर इन आर्ट्स होना चाहिए, BA वाला पार्ट होना चाहिए आपका। तो BSc जो सोच रहे हैं कि हमने BSc में इसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे वो पोषण पढ़ा हो, चाहे आपने होम साइंस पढ़ा हो एक सब्जेक्ट में, तो BSc तो एलिजिबल है ही नहीं, यहां स्ट्रीम चेंज हो गया। हाँ, लेकिन आप जब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां लिखा है और इसके समकक्ष अर्हता, तो समकक्ष मतलब क्या हो जाता है, उसके ऊपर की डिग्री ली जाती है, समझ रहे हो। अब BA की समकक्ष क्या, BA के अगर समकक्ष कोई बैचलर डिग्री होगी तो आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहां साफ साफ लिखा है कि कला में स्नातक होना चाहिए, जिसमें आपका यह सब्जेक्ट, बोला ना आपके पास एक विषय के रूप में, कोई भी इसमें से एक विषय आपका रहा हो स्नातक में। अब ये नहीं कहीं दिया है, कहीं दिया है आपका नोटिफिकेशन भी खंगाल मारना, कहीं नहीं दिया कि 1 साल या 2 साल या 3 साल। हाँ, मेरे हिसाब से जो मैं एक तरह से बोल रहा हूं, जो मेरी एक राय है, मैंने भी इस टीचिंग लाइन में काफी समय दिया है, तो भैया जो भी मिनिमम के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 साल वाले नहीं है, मिनिमम के 2 साल आपने ग्रेजुएशन में, आपने BA में सब्जेक्ट लिया होगा, वो तो 100% तय है, ठीक है, क्योंकि यहां पर उसने 3 साल तो कहीं बोला नहीं है भाई साहब। तो अपने मन से कोई भी, चाहे कहीं से आप देख कर यूट्यूब से, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो सुनो, ना अच्छा लगे मेरी बात तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा आप लोगों को, बस मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। कि जब लिखा नहीं नोटिफिकेशन में, तो आप जब DV होगा तो आप कह सकते हैं ना सर कि यहां कहां लिखा है कि 1 साल वाले चाहे 2 साल वाले एलिजिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम का अगर 2 साल आपने सब्जेक्ट कोई इनमें से एक पढ़ा है BA में, BSc वाले गए, ठीक है, तो वो आप एलिजिबल होगे,
ठीक है, जो भी आप अगर 2 साल पढ़े हो। अच्छा, अब 1 साल वाले आ जाएंगे, सर मैंने एक ही साल पढ़ा है इसमें से एक सब्जेक्ट। तो भैया 1 साल पढ़े हो तो यहां कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप हो, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो तैयारी जारी रखो। ऐसा ना हो आपकी तैयारी ना कर पाओ और लास्ट में जब डीवी हो तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, चाहे डीवी क्या हो। ऐसा हो कि कुछ बच्चे आप ही के साथ वाले 1 साल वाले सेलेक्ट हो जाएं, फिर आप सोचोगे कि काश मैं भी तैयारी कर लिया होता इसका तो मेरा भी हो जाता। क्योंकि ये सिर्फ फीमेल लोगों से रिलेटेड है और फीमेल जो है कहीं कुछ सुन रही हैं कहीं कुछ सुन रही हैं, तो उनका दिमाग इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी। जब आयोग ने नहीं कंफर्म किया और मैंने भी आरटीआई के थ्रू आपसे मांगा है इसका जवाब ठोस, अगर जब तक मिल नहीं जाएगा, जैसे ही मिलेगा हमें कि हाँ 100% कोई चीज, तो मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जिनके पास ये सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में, वो सभी लोग तैयारी करो, मेरी बात इतनी मान लो। ठीक है, चलो, बाकी जिसे नहीं मानना है तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। पीटी का स्कोर कार्ड, अब यहां पर स्कोर कार्ड में काफी बच्चों का ये है कि सर मैं 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर पाया हूं, पाई हूं। ठीक है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं इस एग्जाम के लिए? तो अभी मैं उस पर भी डिस्कस कर दे रहा हूं कि कट ऑफ क्या रहेगा, और वो भी एनालिसिस के साथ मैं अभी डिस्कस करूंगा। जैसे यहां पे लेखपाल में 8,085 पोस्ट थे आपके टोटल, ठीक है, इसको 7/1/2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था। ये सब क्यों मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। पहले एग्जाम डेट 19 जून थी, फिर 24 जुलाई हुई, फिर बाद में 31 जुलाई को आपका ये एग्जाम लिया गया। इतने, मतलब कहा जाता है ना कि आयोग में दो ही लोग काम करते हैं, एक डेट बनाता है, एक डेट हटाता है। ठीक है, तो लास्ट तक 31 जुलाई में ये संपन्न हो गया था। 13 लाख बोला जा रहा है कि इसमें फॉर्म ऑन अप्रोक्स डाले गए थे मेंस के लिए। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट जो थे वो 2,47,667 लोग जो है मेंस का एग्जाम देने गए थे। ठीक है, कट ऑफ आपने देख ही लिया था कि 62 नंबर जो है कट ऑफ गया था, महिलाओं का अलग गया था, 64 के अप्रोक्स गया था। अब अगर इसका कहा जाए 15 गुना लेता है, तो ये 15 गुना तो कभी भी नहीं है। अगर इस वैकेंसी का 15 गुना देखा जाए तो ये 15 गुना नहीं है। अगर 15 गुना आप निकालोगे ना, तो 1,21,000 के अप्रोक्स पहुंचेगा। ये ऑलमोस्ट 30 गुना है। क्या है कि एक ही नंबर पे कई स्टूडेंट हो जाते हैं, तो उसके वजह से ये बढ़ जाती है संख्या। तो ये आपका 30 गुना ही होता है आयोग का, वो कैसे मैथ्स लगाता है वो ही जाने। तो ये समझ लो, तो इतने कैंडिडेट अपियर हुए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे। फिर एनम की बात किया जाए तो ये 15/12/2021 में वैकेंसी आई थी, लेखपाल से भी पहले आई थी, 21 की वैकेंसी है। इसके कट ऑफ मार्क्स जो आपके जनरेट हुए, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कट ऑफ जब आ जाए तब तैयारी करूंगा, तो अभी यहां देखो कि कट ऑफ कब आता है। 29 अप्रैल को आया और एग्जाम डेट कब था आपका, मई में, 8 मई को। कितने दिन का गैप मिला है आपको? आप इतने दिन में एग्जाम की तैयारी कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। लेखपाल में देखो कट ऑफ कब आया, 5 मई को आया, और जुलाई में, ये तो कहो 19 जून को एग्जाम डेट था, लेकिन अगर 19 जून को एग्जाम हो जाता तो क्या आपकी तैयारी हो जाती? नहीं होती ना। वो तो 31 जुलाई चला गया, काफी समय मिल गया, मई से बाद जून, जून के बाद जुलाई। ठीक है, तो मिनिमम का 1 महीना पहले आपको कट ऑफ डेट आएगी। यहां देखो 1 महीना भी नहीं समय था, यहां तो 1 महीना भी नहीं समय था। यहां एक ऐसा एक्सेप्शन केस था भाई कि यहां पे 19,000 फॉर्म ही पड़े और उसमें से भी निगेटिव वालों को बाहर किया गया, और जो पॉजिटिव मार्क थे मतलब 0 से लेकर सभी को बुला लिया गया। 18,281 कैंडिडेट को 9,000 समथिंग पोस्ट के लिए बुलाया गया था मेंस लिखने के लिए। ठीक है, तो ये एनम वाला हो गया। इसमें ये आपका क्या था, ये बता दें कि ये भी सिर्फ फीमेल से रिलेटेड था, इसमें भी सिर्फ फीमेल ही भर सकती थी, मेल कैंडिडेट नहीं था। लेखपाल में मेल कैंडिडेट भी था इसलिए भीड़ थी। अब यहां पे आते हैं लोअर पीसीएस, जो 76 पोस्ट के लिए निकला था आपका। 76 पोस्ट में 2116, यहां भी 15 गुना। किस हिसाब से 15 गुना है? 15 गुना होता तो आपका ये क्या होता, ये 15 गुना होता तो 1100 समथिंग लोगों को होते, लेकिन ये 30 के अप्रोक्स में ही आएगा। ठीक है, तो 2116 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, इसका भी देखो कट ऑफ कब आया, 13 जून को, और पेपर कब हो रहा है आपका, 29 जून को प्रस्तावित था, लेकिन एक्सटेंड करके 17 जुलाई कर दिया गया। 13 जून और 29 जून गैप देखो कितना कम मिला है कट ऑफ से आपसे। तो भैया कट ऑफ से पे इंतजार मत करो कि कट ऑफ आएगा तो हम तैयारी करेंगे, नहीं तो फिर आप जानना और आपका काम जानेगा। अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छा खासा सैलरी है। ठीक है, फॉर्म आया था 22/4 को। अब एग्जाम डेट देखो सबसे ज्यादा, बाकी सब में तो काफी समय लगा, ये 12 की वैकेंसी 2021 में आई हुई थी और ये जनवरी में वैकेंसी आई हुई थी, तो कहीं कहीं जुलाई में हुआ कारणवश। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे। अगर हम बात करें लोअर पीसीएस वाले में, लेकिन ये वैकेंसी आपकी अप्रैल में आई है और एग्जाम आपका जून जुलाई में हो गया है,
तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ढाई से तीन महीना आपको समय मिला है यहां पर। ढाई महीना जो है आपका एक तरह से बोल सकते हो कि समय मिला हमें पेपर होने में। तो मिनिमम का आपका अगर एग्जाम की हम बात करें, अब मुख्य सेविका पे आ जाओ। मुख्य सेविका का फॉर्म आया 8/3/8 को आया है शायद ये। मुख्य सेविका का जो फॉर्म आया है आपका 3 अगस्त में आया था। कट ऑफ डेट क्या होगी? तो भैया अभी कट ऑफ डेट में बता रहा हूं एग्जाम से, अगर 3/8 को आया है तो एक महीना तो आपका चला ही होगा। जैसे यहां पे अगर मैं कहूं कि 22 तारीख को आया था, अप्रैल में आया था, ठीक है। तो आया अगर ये अगस्त में, अगस्त के बाद आप मान लो अगस्त के बाद आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लास्ट, अगर ढाई महीना मान लें तो इसका एग्जाम डेट मान के चलो कि मैं बता दे रहा हूं कि दिसंबर से जनवरी हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है एक तरह से दिसंबर। अब कट ऑफ कब आएगा? तो कट ऑफ आपका हो सकता है नवंबर आ जाए, या अक्टूबर भी मान सकते हो, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, अभी इसके बारे में आते हैं, बाद में बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब पोस्ट आपके पास 2693 है इसमें मुख्य सेविका में, और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखो। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 36 मार्क है, 30 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, मेरे हो जाएंगे, अभी अगर आप 2693 का 15 गुना आप निकालोगे, और इसमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मेंस के जो फॉर्म्स पड़े हैं ऑन अप्रोक्स 60,000 से 65,000 पड़े हैं, ठीक है, 60,000 से 65,000 फॉर्म पड़े हैं मेंस के लिए। अब इसमें कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे तो आप खुद ही समझो कि अगर इसका 15 गुना निकालोगे तो 40,000 समथिंग होगा ये, 40,000। लेकिन आयोग 15 कहां लेता है? आयोग तो उसका सीधे डबल लेता है, तो अगर 30 गुना कर दोगे ना तो ये 80,000 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। उतने तो फॉर्म ही नहीं पड़े हैं, उतने तो फॉर्म ही नहीं पड़े। तो जब 80,000 पहुंच जाएगा तो उतने लोगों को लेगा अगर ये, तो यहां तो आप सिंपल सी बात है कि कट ऑफ आपको पता ही चल गया कि आपका कट ऑफ कितना होगा। अगर 2600 पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ यहां पता चल गया कि कितना होगा, कितना होगा, मेरे हिसाब से तो जीरो होना चाहिए। निगेटिव वालों को छोड़ दो, सभी जीरो वाले क्या हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि ना लेना चाहे वो, या फॉर्म कम हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका बहुत कम चांसेस हैं कि कट ऑफ इसकी नंबर में जाए, 10 या 5 नंबर दो भी जाए, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये जीरो पे ही हो जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जितने लोग फॉर्म फिल किए हो सभी को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। जो ये गणित कहती है, जितने भी आपके पिछले हैं वो यही गणित बताती है कि आपका जीरो पे हो जाना चाहिए। बाकी आयोग की महिमा, आयोग कुछ भी करे, क्योंकि मेरे अनुसार तो चलेगा नहीं आयोग, चाहे मैं तो उसमें काम कर नहीं रहा हूं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इतना है। तो आप लोग जितने लोग भी फॉर्म फिल किए हो और जिनके पास एलिजिबिलिटी है, बीएससी वाले बाहर हो, सिंपल सी बात है, वो लोग आप लोग क्या कर सकते हो, तैयारी करते रहो। साथ ही साथ जो ये कह रहे हैं कि सर जो आपका हमने एमए किया है, एमए सोशियोलॉजी है, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट है इनमें से जो दिया गया है, तो क्या एलिजिबल है? मास्टर ऑफ आर्ट हैं आप लोग, तो जाहिर सी बात है एलिजिबल है। समकज मतलब उसके ऊपर, देखो अभी जो UPPRPB में आपकी वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर की है, तो उसके ऊपर वाले हमेशा किसी भी वैकेंसी में ऊपर वाली जो आपकी डिग्री होती है हमेशा मान्य होती है। अगर आप इस ट्रेड से हो, मतलब एक तरह से जोड़ा जाए जो सब्जेक्ट है आपका, इन सब्जेक्ट से आपने एमए किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। भटकने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करो, 50 जगह यही चीज सर्च ना मारो, आप अपना समय जो है व्यर्थ कर रहे हो। तो जिन्हें भी तैयारी करना है, तो भैया मैं लास्ट में बता दे रहा हूं, ऑफर प्राइस पे 799 में इसका बैच चल रहा है। आप परीक्षा प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इसे क्या ज्वाइन करिए। आपकी प्रॉपर क्लासेस 5 सितंबर से चालू हो जाएंगी ऐप पर, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए आप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर, और ये नंबर है आपका। जो भी और दिक्कत है आपको, समस्या है इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो आप इस वीडियो के कमेंट में करिए, मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि उसका जवाब लेकर आपके सामने आऊं। जो भी दिक्कत है आप लोग जरूर कमेंट करिए। और अगर आपको, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई आपको मैंने कह दिया कि 1 साल वाले या 2 साल वाले, कुछ भी यहां नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, तो आप लोग जब फॉर्म फिल कर दिए हो तो तैयारी करो, मेरा यही कहना है। तो जो भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।